हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन एसडी ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेसन इज डन बाय अस। दिस इज आवर लास्ट लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम टर्म्स, सॉल्युबिलिटी, सेकंड वाटर एज ए सोलवेंट, सैचुरेटेड सोल्यूशन और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एज ए सोलवेंट। ये टॉपिक आज हमारे डिस्कसिंग के रहेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट जो हम करेंगे वो सोल्यूबिलिटी करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके मेथड्स हमने स्टडी कर लिए थे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम दो सोल्यूबल जो लिक्विड्स होते हैं एक दूसरे में सोल्यूबल हो जाते हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करें। एग्जाम्पल हमने लिया था वाटर और एल्कोहल को, फिर हमने उसको हीट किया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल तक, तो एल्कोहल वेपराइज हो गया था और बाद में उसको हमने कंडेंस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, आज हम करेंगे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी सेकेंड हम करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन के बाद हम स्टडी करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। क्लियर हो गए हमारे डिस्कसिंग के टॉपिक। लेट अस स्टार्ट सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई सब्सटेंस किसी भी दूसरे सब्सटेंस में कैसे डिजोल्व होता है। तो आप इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप इसके लिए शुगर और वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। यू टेक, तो एक्टिविटी जो होगी इसकी हमारी रहेगी शुगर और साल्ट की, इसकी रहेगी शुगर प्लस वाटर। आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में आप वाटर लेंगे और वाटर में आप टीस्पून से आप शुगर को ऐड करेंगे। व्हाट विल हैपन, यू विल सी द शुगर गेट डिजोल्व इनसाइड द वाटर, यानी कि शुगर आपकी डिजोल्व हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर इज सोल्यूबल इन द वाटर। तो यहाँ पे मान लिया आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने वाटर लिया, वाटर लेने के बाद क्या हुआ, आपने इसमें कुछ शुगर ऐड करी, ये आपकी शुगर है, और शुगर ऐड करने के बाद आपने इसको स्टायर किया। स्टायर करने के बाद शुगर इसमें डिजोल्व हो गई। इसका मतलब शुगर यहाँ पे इसका कार्य करेगी, शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और वाटर को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होकर क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्यूशन। तो आपको पता लग गया व्हाट इज सॉल्यूशन, ए मिक्सर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन सिंपली आप बना सकते हैं, हम किसी चीज का बना साल्ट प्लस वाटर भी बना सकते हैं और हम शुगर प्लस वाटर भी बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिया। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा बेटा, अब आप कहेंगे मैम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा इसकी, सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या होगा कि सॉल्यूट होगा द सब्सटेंस प्रेजेंट इन, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, कि जो सब्सटेंस आपका स्मॉल क्वांटिटी
क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल सुगर एंड साल्ट इन वाटर एक्ट्स एज सॉल्यूट। तो यहाँ पे बेटा जो हो जाएगा आपका सुगर और साल्ट क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। सुगर एंड साल्ट। और सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होगा, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो आपका लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी बोल दो जाए, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्या कहलाएगा भाई, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो आपको पता है वाटर में हमने शुगर मिक्स किया हो जी, साल्ट मिक्स किया हो, तो वाटर हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो एग्जांपल जो होगा वो होगा वाटर। क्लियर हुआ, सॉल्यूशन पता लग गया, सॉल्युबिलिटी पता लग गई। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में सॉल्युबल हो रहा है यानी घुल रहा है या नहीं, वो उस सब्सटेंस की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, सॉल्युबिलिटी। अब हम लास्ट बात करते हैं बेटा, यू कैन नोट डाउन, ठीक है। जो लास्ट हम बात करेंगे बेटा वो आपकी बात होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। किसकी होगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपने शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया। आप क्या कीजिए, कुछ टीस्पून उसमें और मिला दीजिए, कुछ उसमें चम्मच भर के आप शुगर की और मिला देंगे। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि शुगर है वो डिजोल्व नहीं हो रही, तो उस टाइम वो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया है, सैचुरेट। उसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व, यानी कि उस क्वांटिटी के बाद उसमें शुगर या साल्ट की और अमाउंट डिजोल्व नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड शुगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व, डिजोल्व होता है, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि वाटर की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है, क्लियर। तो आप क्या लेंगे इसके, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा आप क्या लें, दो टेस्ट ट्यूब लें चाहे दो बीकर लें। आप क्या करें, एक में तो आप वाटर लेंगे और उसमें आपने शुगर ऐड कर दी है, शुगर और ये आपका क्या है, वाटर। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेटा आप क्या लें, साल्ट और वाटर। ठीक है, आप दोनों को चम्मच से हिलाइए, आप देखेंगे कि शुगर भी डिजोल्व हो रही है और साल्ट भी आपका डिजोल्व हो रहा है। आप कुछ समय बाद आप और डिजोल्व कीजिए और फिर दोनों की बेटा आप क्वांटिटी नोट कीजिए कि कितनी शुगर डिजोल्व हो रही है और कितना आपका साल्ट डिजोल्व हो रहा है। आप इजीली आइडेंटिटी कर पाएंगे कि शुगर ज़्यादा है या साल्ट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर में सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है, मान लिया वाटर की अमाउंट दोनों में सेम है लेकिन शुगर की अमाउंट और साल्ट की अमाउंट दोनों में अलग अलग है, तो क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस
इज डिफरेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की अमाउंट फिक्स है और शुगर और साल्ट की अमाउंट आपकी डिफरेंट है। तो वाटर में ये क्या होती है आपकी अलग अलग होती है। दूसरा हम बताएं कि क्या होता, जैसे ही हमने इन सॉल्यूशन को गर्म कर दिया तो इन सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया इंक्रीज। तो आप उसके बाद देखेंगे कि इसमें और अमाउंट में आप सॉल्यूट दैट इज शुगर और साल्ट को आप ऐड कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर, कि जैसे ही आपने इसको सॉल्यूशन को गर्म कर दिया तो आप इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। दूसरा हम कहें, अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट के रूप में आपकी वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। यू नो वेरी वेल वी ईट फूड, आप सभी को पता है कि हम भोजन खाते हैं, वो जो भोजन आपने खाया वो जब डाइजेशन होगा तो वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा और वो डिजोल्व होना चाहिए वाटर में, दैट्स व्हाई वी कैन डाइजेस्ट आवर फूड। इसी प्रकार से हमारा भोजन क्या होगा, हमारा डाइजेस्ट हो सकता। तो फर्स्ट क्या होगा, यदि फूड टेकन बाय अस मस्ट बी सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सोल्यूबल होगा तभी हमारा उस फूड का डाइजेशन होगा। क्लियर हुआ। सेकंड बात करें कि हमारी कुछ गैसेस होती है, मान लो ऑक्सीजन और CO2 आपकी सोल्यूबल होनी चाहिए वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। तो ये मैं आपकी इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि वाटर में हर चीज़ घुल जाती है तो वो सॉल्वेंट का कार्य कैसे करेगा। तो ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज टेकन बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर हुआ, जो डिजोल्व होती है ऑक्सीजन और CO2 वाटर में वो हमारी प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ली जाती है। ये भी फायदा है कि वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। थर्ड हम सोचें कि सोयल में से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेते हैं वो भी किस में डिजोल्व होते हैं बेटा, वाटर में। न्यूट्रिएंट्स टेकन बाय प्लांट्स थ्रू सोयल इज आल्सो डिजोल्व इन वाटर। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंस थी हमारी वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और आपका सॉल्यूट क्या होता है। और हमने दो मेन पॉइंट को डिस्क्राइब किया कि हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वाटर में अलग अलग होती है, दूसरा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, और ये हमने इम्पोर्टेंस बताई वाटर एज ए सॉल्वेंट, और हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया। तो बेटा ये चैप्टर लगभग आपका फिनिश हो गया है, हमारा कुछ पोर्शन इसका क्वेश्चन आंसर का बचा हुआ है, जो बेटा आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश किया करो, आप इजिली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू।
कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।